Hello students, myself Manju Mawani. I welcome you in English Literature online class for class BA Part 2 from Gurugram College. Now today, in this video, we start our new poem named The Second Coming, composed by W.B. Yeats. हमारी इस पोएम में हम आपकी नई पोएम एक स्टार्ट करेंगे. आपकी थर्ड जो पोएम रहेगी वो रहेगी द सेकंड कमिंग, जिस जो विलियम बटलर गेस्ट के द्वारा लिखी गई है. इनका जो शॉर्ट नेम था वो डब्ल्यू बी गेट्स के नाम से है और इनका जो फुल नेम है वो क्या है, विलियम बटलर गेट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हम पोइट के बारे में रीड करेंगे, पोइट का इंट्रो देखेंगे कि पोइट कहाँ से बिलोंग करते थे, उनके जो फेमस वर्क्स हैं वो क्या थे और वो किस तरीके की पर्सनालिटी के थे. नाउ स्टार्ट. विलियम बटलर गेस्ट वाज एन आयरिश पोइट. जो विलियम बटलर गेस्ट थे वो आयरिश थे. आयरिश कहते हैं द पीपल ऑफ आयरलैंड, जो आयरलैंड के जो लोग होते हैं उनको आयरिश बोलते हैं, मतलब ये आयरलैंड से बिलोंग करते थे. विलियम बटलर गेस्ट वॉज एन आयरिश पोइट. ये आयरिश पोइट थे, आयरलैंड के पोइट थे एंड वन ऑफ द फॉरमोस्ट फिगर ऑफ 20th सेंचुरी. और 20वीं जो सदी के बहुत ही जाने माने या मतलब कि फ्रंट के जो फॉरमोस्ट मतलब कि बहुत ही फेमस फिगर थे. ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाई आयरिश मैथोलॉजी. और इनके ऊपर आयरिश मैथोलॉजी थी, जो आयरिश आयरलैंड की जो पुरानी बातें होती थी, धार्मिक बातें थी, उनका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव था. एंड वॉज कीन टू रेसिस्ट द कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश डोमिनेंस इन आयरलैंड. और क्या थे, कीन टू रेसिस्ट, और बहुत ही मतलब कि बहुत ही उच्च स्तर पर कह सकते हैं ये बहुत बड़े क्या थे उसके. रेसिस्ट का मतलब होता है आलोचक. रेसिस्ट का मतलब आलोचक थे द कल्चर इन्फ्लुएंस, मतलब कि जो कल्चर का, इंग्लिश कल्चर का, इंग्लिश जो क्या था तब, क्या था जब ये डब्ल्यू बी इट्स जब आयरलैंड में थे, आयरलैंड से जब इनका मतलब कि इनके टाइम के क्या था, जो आयरलैंड था वो इंग्लैंड के अधीन था. इंग्लैंड के ओपेनिशनिक बोलते हैं, मतलब कि जैसे इंडिया ब्रिटेन का था और वैसे ही जो आयरलैंड था वो क्या था, इंग्लैंड के अधीन था. तो इंग्लैंड के कल्चर के जो मतलब प्रभाव पड़ रहा था आयरलैंड के ऊपर, ये उसके बहुत ही बड़े रेसिस्ट मतलब कि आलोचक थे. ही वॉज अ पिलर ऑफ द आयरिश लिटरेचर इस्टेब्लिशमेंट. ये क्या थे, आयरिश पिलर थे, मतलब एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्होंने अपना योगदान दिया था. एक पिलर, पिलर जैसे एक मकान को खड़ा करने के लिए जैसे एक पिलर का सहारा, मतलब बहुत बड़े सहारे बने थे कि किसमें, आयरिश लिटरेचर इस्टेब्लिशमेंट, मतलब कि जब आयरिश लिटरेचर को, आयरलैंड के लिटरेचर को स्थापित किया जा रहा था तो इनकी बहुत ही अच्छी एक भूमिका थी, इन्होंने एक पिलर की तरह काम किया था. ही हैड फाउंड एबी थिएटर. और इन्होंने क्या ढूंढने में मदद की थी, एबी थिएटर, मतलब एक थिएटर का नाम था उसको ढूंढने में मदद की थी. इन 1885 वॉज एन इम्पोर्टेंट ईयर. जो 1885 जो 1885 है वो क्या है, इनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साल है. इन ईयर्स अर्ली लाइफ, मतलब कि इनकी हम स्टार्टिंग की लाइफ देखें तो 1885 जो ईयर है वो इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. क्यों इम्पोर्टेंट है, हिज पोएट्री वॉज पब्लिश फॉर फर्स्ट. जो इनकी पोइट्री थी सबसे पहले कब पब्लिश हुई थी, 1885 में. इसलिए जो ये ईयर है वो इनके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट रहेगा. ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय आयरिश मैथोलॉजी. तो हमने ये लाइन देखी है कि जो ये क्या था, इनके ऊपर प्रभाव पड़ा था किसका, आयरिश मैथोलॉजी का. ये इट्स वर्क बिकम मोर पॉलिटिकल. जो ये का वर्क था वो बहुत ही क्या हो गया था, ज़्यादा पॉलिटिकल, मतलब राजनीतिक से कब जुड़ गया था, व्हेन ही वॉज इलेक्टेड टू आयरिश सीनेट. सीनेट का है जैसे हमारे यहाँ पर संसद होती है, पार्लियामेंट होती है, आयरलैंड की जो सरकार है उसको सीनेट कहते हैं. तो जब ये इलेक्ट हुए थे, चुने गए थे सीनेट के लिए, सीनेट आयरिश सीनेट के लिए, इन 1922 में जब ये सीनेट के सदस्य के रूप में चुने गए थे तब ये क्या हो गए थे, राजनीतिक में इनका जीवन स्टार्ट हो गया, उन्होंने राजनीतिक राइटिंग करने लगे थे. ही वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज. इनको क्या मिला था, नोबल प्राइज मिला था.
फॉर लिटरेचर, लिटरेचर में इन 1923 1923 में इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। सबसे पहले तो हम क्या देखते हैं, जो मतलब विलियम, ये जो हमारे डब्ल्यू बी गेट्स हैं, इनके टाइम पे क्या था, आयरलैंड था वो था अधीन था किसके, इंग्लैंड, इंग्लैंड के। तो क्या था, इनको जो कल्चर एक्टिविटी थी, मतलब इंग्लैंड वालों का जो कल्चर था वो उन पे भारी पड़ता था आयरिश पे, तो इसके कारण क्या थी, ये उनके बहुत ही बड़े आलोचक थे, ये मैथोलॉजी में विश्वास रखते थे, आयरिश मैथोलॉजी में, मतलब कि उनके द्वारा जो फोल्क, मतलब कि जो लोक कथाएँ हो गई, जो उनकी मतलब लोक नाट्य हो गए, लोक नृत्य हो गए, मतलब आयरिश अपनी कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करते थे अपने आप को। एक और हम फिर से जिक्र करेंगे, उसके बाद हम इसके मेन वर्क्स देखेंगे, इनके मेन वर्क्स राइट लिए हुए हैं नीचे। सबसे पहले फिर से हम एक बार रीड करेंगे, विलियम बटलर गेट्स वॉज बॉर्न इन 1864। जो विलियम बटलर का जो जन्म है वो कब हुआ था, 1864, मतलब कि 19वीं शताब्दी के ही है। वॉज एन आयरिश पोइट, क्या थे वो, एक आयरलैंड के पोइट थे, एंड वन ऑफ द फॉरमोस्ट फिगर ऑफ 20th सेंचुरी। अब देखो 19th सेंचुरी में उनका जन्म हुआ है, लेकिन वो थे किस जन्म के थोड़े टाइम बाद ही वो स्टार्ट हुए थे, इसलिए उनको कौन सी सेंचुरी का, 20th सेंचुरी का एक बहुत ही बड़ी मतलब जानी मानी हस्ती कह सकते हैं, माना जा सकता है। ही वो डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय आयरिश मैथोलॉजी, और ये बहुत ही गहराई तक या गहनता से इनके ऊपर मिथोलॉजी, आयरिश मैथोलॉजी का प्रभाव पड़ा था। एंड वो कीन टू रेसिस्ट द कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश डोमिनेंस इन आयरलैंड, और इंग्लैंड डोमिनेंस मतलब कि इंग्लैंड, इंग्लिश जो उपनिवेशी काल था आयरलैंड का, उसके अंदर इंग्लैंड के कल्चर का इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव था, उसके ये बहुत ही बड़े आलोचक थे। तो इनके मतलब जो फादर और मदर की बात करें, इनके जो फादर थे विलियम येट्स के, वो क्या करते थे, वो आलोचक थे इंग्लैंड की जो मतलब की मेथोलॉजी थी, या इंग्लैंड ये इंग्लिश जो मतलब इंग्लिश लोग थे उसके खिलाफ थे। और इनकी जो मदर थी वो क्या थी, बहुत इनके जो फादर थे वो तो इतना प्रभाव नहीं मानते थे, वो अच्छा मानते थे इंग्लिश के, इनको जुड़ा रहना चाहिए। जो इनकी मदर थी वो उसके खिलाफ थी, मतलब इनका क्या था, आयरलैंड आना जाना लगा रहता था, इन्होंने इनका जो जीवन था वो आर्ट से जुड़ा हुआ था, इन्होंने भी आर्ट की ली थी, लेकिन इनको क्या था, पोइट्री में ज़्यादा इनको पोइट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए ये क्या हो गए, पोइट्री में लीड हो गए। येट्स वर्क्स बिकम मोर पॉलिटिकल, पहले हम इनके ईयर के बारे में देखेंगे, 1885 वॉज एन इम्पोर्टेंट ईयर इन येट्स ईयरली लाइफ। जो 1885 है, 1885 का जो वर्ष है वो येट्स की जिंदगी में, येट्स की जो लाइफ थी स्टार्टिंग की, उसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी साल उनकी जो पोइट्री थी वो फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी। ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाई आयरिश मैथोलॉजी, वो आयरिश मैथोलॉजी से बहुत ही ज़्यादा गहराई से प्रभावित थे। येट्स वर्क बिकम मोर पॉलिटिकल व्हेन ही वॉज इलेक्टेड टू आयरिश सीनेट, जब ये इलेक्ट हुए थे, चुने गए थे आयरिश सीनेट के लिए 1922 में, तब इनका ये क्या हो गए थे, पॉलिटिकल मतलब राजनीति में इनके ज़्यादा इंटरेस्ट इनको हो गया था। ही वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज, और इनको क्या मिला था, नोबल प्राइज मिला था फॉर लिटरेचर, लिटरेचर के लिए इन 1923 1923 में इनको लिटरेचर के लिए क्या मिला था, नोबल प्राइज मिला था। क्योंकि क्या था, ये अपने आयरलैंड से बहुत ही ज़्यादा क्या प्रेम करते थे, एक मतलब पैट्रियट कह सकते हैं, ये देशभक्त थे आयरलैंड के, तो इनके कारण ही क्या था, इनको बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे महान माना जाता है आयरलैंड में। अब इनके हम फेमस वर्क्स देखेंगे, इनके जो फेमस वर्क्स हैं वो क्या हैं, द वाइल्ड स्वान एट पूल, द टावर इन द सेवन वुड्स, और द बाइंडिंग स्पीयर एंड अदर पोएम्स, ये इनके फेमस हैं। इनको फिर से रिपीट करेंगे, द वाइल्ड स्वान एट पूल, द टावर इन द सेवन वुड्स, और द वाइंडिंग स्टेयर्स एंड अदर पोएम्स, ये इनके फेमस वर्क्स हैं। आप इसका कुछ स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको नोट्स बनाने में इजी रहेगा। और इनकी जो डैश हुई थी डब्ल्यू
बी येट्स डाइड इन 1939। इनकी डेथ कब हुई थी? 1939 में इनकी डेथ हुई थी। और जब इन्होंने ये पोएम, अब थोड़ा पोएम के बारे में आपको पहले बताती हूँ, फिर पोएम की हम समरी वगैरह रीड करेंगे। जब इन्होंने ये सेकंड पोएम लिखी थी, सेकंड कमिंग, तब क्या चल रहा था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। 1999 में इन्होंने ये पोएम लिखी थी आपकी सेकंड कमिंग। तब आप जानते हो कि 1914 मतलब कि 1914 से लेकर 1919 तक क्या चल रहा था? प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो उसके बाद मतलब उसके बाद इन्होंने पोएम लिखी थी। तो उस टाइम में जब आयरलैंड था वो क्या था? तहस नहस हो गया था, पूरी दुनिया पर प्रभाव पड़ा था। जैसा कि आप जानते ही हैं कि विश्व युद्ध के कारण कितना मतलब कि लोगों को क्या क्या झेलना पड़ा था, लोगों के अंदर डर बैठ गया था, उनकी जीने की उम्मीद खत्म हो गई थी। तो इसी के लिए उन्होंने सेकंड कमिंग, जैसे कि हम इसका टाइटल देखते हैं, सेकंड कमिंग, दूसरी बार आना या दूसरी एंट्री कह सकते हैं या रेनेसा कह सकते हैं, पूर्ण विकास, या मतलब क्या था, इन्होंने कहा था कि अब क्या है, जो दुनिया है वो क्या है, अंत की ओर अग्रसर है, मतलब खत्म होने वाली है। तो इसके लिए जो ईस्टर है, मतलब कि जो क्राइस्ट, जो जीसस क्राइस्ट है, वो क्या है, दोबारा जन्म लेंगे। जीसस क्राइस्ट का जन्म आपको पता है 2000 साल पहले माना गया है। तो क्या है, वो इस जो पाप है वो बढ़ता जा रहा है, पाप को खत्म करने के लिए जो जीसस क्राइस्ट है वो दोबारा जन्म लेंगे। और किस रूप में जन्म लेंगे? जो उनका मुंह होगा वो तो मैन का होगा, और जो उनकी बॉडी होगी वो क्या होगी, एक लॉयन की बॉडी होगी। तो इस तरीके से वो उसको डिस्क्राइब करते हैं कि गीस आएंगे, और वो पूरा का पूरा उनको, जब एनार्की फैली हुई है जो हमारे मतलब विश्व में उस काल में जब इन्होंने पोएम लिखी थी, उस टाइम पे जब विश्व का हाल हुआ था, जो हालत थी, उसको देखते हुए उसको डिस्क्राइब किया अपनी पोएम में, द सेकंड कमिंग। अब हम इस पोएम के बारे में रीड करेंगे कि इस पोएम में जो पोइट है वो क्या बताना चाहता है। स्टार्ट करते हैं पोएम के इंट्रो के बारे में। ये जो पोएम है, ये मैंने आपको बताया कब लिखी गई थी, 1999। दिस पोएम वॉज कम्पोज बाई हीट, ये हीट के द्वारा कम्पोज मतलब लिखी गई है। कब लिखी गई है? इन 1919 में, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये पोएम लिखी गई। एंड अर्लियर टाइटल, और इनका टाइटल क्या था? सेकेंड कमिंग, मतलब दूसरी बार, दूसरी बार आगमन या दूसरी बार आना। इन द बिगनिंग ऑफ पोएम, जो बुकिंग है, जो स्टार्टिंग है पोएम की, द पोएट डिपिक्ट्स अ वेरी एप्ट एंड एप्रिसिएट पिक्चर ऑफ पोस्ट वार, जो पोएट है वो क्या लाता है, पिक्चर लाता है, किसकी पिक्चर, और उसकी मतलब क्रियाकलाप लाता है किसकी, पोस्ट वार की, मतलब कि वार के बाद जो सिचुएशन थी उसकी, उसकी जो पिक्चर है वो लेके आता है। द वर्ल्ड वॉर हैज लेफ्ट, जो वर्ल्ड वॉर था, जो विश्व युद्ध था, वह छोड़ गया था, क्या छोड़ गया था, लेफ्ट द वर्ल्ड इन ए सिचुएशन ऑफ डिसऑर्डर, मतलब कि जो वर्ल्ड वॉर था वो दुनिया को तहस नहस कर छोड़ गया था, ये डिसऑर्डर मतलब अव्यवस्थित, अव्यवस्था में छोड़ गया था। देयर इज रेस्टलेसनेस, होपलेसनेस एंड एनार्की, यहाँ पर क्या हो गया था, किसी तरह का आराम नहीं था, और जो दुनिया थी पूरी की पूरी वो हेल्पलेस, होपलेसनेस हो गई थी, मतलब कि उनको किसी भी, वो ना उम्मीद हो गए थे, और एनार्की मतलब कि जो अराजकता थी वो चारों तरफ फैल गई थी। पीपल हैव लॉस्ट फेथ, जो लोग हैं वो क्या है, अपना जो उनका विश्वास था वो खो बैठे थे, क्योंकि इतनी भयानकता थी उस वर्ल्ड वार में कि उसमें जो लोग थे वो ना उम्मीद हो गए थे, उनके जीने की उम्मीद ही खत्म हो गई थी। द पीपल हैव लॉस्ट फेथ, जो लोग थे उन्होंने अपना विश्वास खो दिया था। एंड सीन्स ऑफ वायलेंट ब्लडशेड हैव बिकम द हॉलमार्क ऑफ द डे, और जो सीन्स है वायलेंट ब्लडशेड की, मतलब कि जो खून, ब्लडशेड मतलब खून से फैले हुए जो वॉयलेंट, मतलब जो हिंसा वाली खूनी जो हॉलमार्क थे वो क्या बन गए थे, दिन में दिखने वाले हॉलमार्क, मतलब हर जगह पे क्या दिख रहा था, सिर्फ खून ही खून।
खून दिखाई दे रहा था, जो मारता कोई थी उसके कारण जो खून था वो चारों तरफ फैल गया था और वही क्या बन गया था, हॉलमार्क बन गया था दिन का। जैसे कि कोई हम देखते हैं किसी चीज़ पे हॉलमार्क बना रहा, जैसे दिन स्टार्ट हुआ तो उनको क्या दिखता था, चारों तरफ खून ही खून दिखाई देता था। द लाइन्स, अब जो लाइन है इसकी, थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड, इसमें क्या है, ये जो लाइन है उसमें क्या कहता है, जो पॉइंट है पोर्ट्रेट, ये क्या करती है, पिक्चर बनाती है एन अनार्की, अराजकता की। ये फील्स दैट, जो ये क्या है फील्स करता है, मतलब महसूस करता है, द लॉन्ग इरा ऑफ डोमिनेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी इज ऑन द वर्ज ऑफ डिक्लाइन। अब वो क्या मानता है, जो ये तो ऐसा लगता है जो डोमिनेंसी, मतलब कि जो क्रिश्चियनिटी है, जो ईसाई है, ईसाई मतलब ईसाईपन है या जो ईसाई धर्म है, वो क्या है अब उसकी जो डोमिनेंस है, जो उसका जो राज है दुनिया के, मतलब दुनिया के ऊपर या आयरलैंड के ऊपर, वो क्या है अब ख़त्म होने की कगार पर है या ख़त्म होने को है। फिर वो बताता है कि अब जो वेलकर कैन नॉट हियर द वेलकनर, मतलब कि जो वेलकन है उसमें भी एक आपकी लाइन है, वेलकनर नॉट हियर द वेलकनर, मतलब कि जो बाज है, वेलकनर क्या होता है, बाज है वो अपनी जो बाज का जो वो है मालिक है उसको नहीं सुन पा रहा है। यहाँ पे क्या है, हमें भगवान और वुमेन बीन के बीच में बताया कि वुमेन है वो क्या है, भगवान के द्वारा जो दिया गया आदेश है उसको ना सुनकर वो क्या हो चुका है, अराजक, मतलब कि क्रूर हो चुका है, चारों तरफ अशांति फैल गई है। फिर ये अपनी नेक्स्ट लाइन में बताता है कि किस तरीके से जो यीस्ट है, मतलब कि यीस्ट नहीं, हम जीसस क्राइस्ट है, जो मतलब क्राइस्ट है वो क्या है, वापस आएंगे, मतलब कि बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, जैसे कि हम भी मानते हैं कि हिंदी धर्म, जो हिंदू धर्म है उसमें माना जाता है कि जब जब दुनिया पर, जब जब दुनिया में अराजकता बढ़ी है, धर्म बढ़ा है, तब भगवान ने अवतार लिया है। तो इसी तरह से हमने सुना है कि जब कलयुग का अंत होगा तो कल की अवतार होगा, कल के अवतार के बारे में सुना हुआ है। तो उसी के प्रकार जो यूपी गेस्ट है उन्होंने क्या कहा कि जब दुनिया में बहुत ज़्यादा अराजकता फैल गई है तो क्या है, भगवान जो गेस्ट हैं उनके, जो क्रिश्चन के गेस्ट होते हैं, क्रिश्चन के जीसस क्राइस्ट हैं, वो क्या है वापस से जन्म लेंगे, मतलब कि 2000 सालों की अराजकता, उसकी इरा क्या है अब ख़त्म होने वाली है, जो बुराइयों की जो इरा थी वो ख़त्म हो जाएगी, अब क्या हो जाएगा, दोबारे से बाइबिलियन जो इरा है वो स्टार्ट हो जाएगी, मतलब बाइबल की तरह से लोग धर्म में बढ़ेंगे, चारों तरफ क्या हो जाएगा, वो सबका जो बुराई है उनका विनाश कर देगी। और किस तरीके से वो, मतलब कि आएंगे, किस तरीके से वो वापस से जन्म लेंगे, जो उनका फेस होगा वो तो क्या होगा, ह्यूमन बीइंग का होगा, और जो उनकी बॉडी होगी, जो उनका नीचे का धड़ होगा वो क्या होगा, लोयन की तरह होगा, लोयन की तरह होगा। एक बार हम फिर से इसको रीड करेंगे। दिस पोयम वॉज कम्पोज बाई गेट्स इन 1919 में ये पोएम क्या थी, कंपोज की गई थी गेट्स के द्वारा, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहले विश्व युद्ध के बाद, एंड अर्लियर टाइटल द सेकंड कमिंग, और इनका जो टाइटल था वो क्या था, सेकंड कमिंग। इन द बिगनिंग ऑफ पोएम, जो स्टार्टिंग है, बिगनिंग मतलब कि जो स्टार्ट हो रहा है पोएम की, जो शुरुआत है, द पोएट स्पीक रिपीट्स अ वेरी एप्ट एंड एप्रोप्रिएट पिक्चर ऑफ पोस्ट वार, जो स्टार्टिंग है पोइट उसने क्या है, पिक्चर बताई है पोस्ट वार की, मतलब कि वार ख़त्म होने के बाद जो हालत थी दुनिया की, जो लोगों के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ा था, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से विविध रूप से उन्होंने शोन किया है। द वर्ल्ड वॉर हैज लेफ्ट द वर्ल्ड इन अ सिचुएशन ऑफ डिसऑर्डर, जो ये वर्ल्ड वार था, जो विश्व युद्ध था, उसने पूरी की पूरे जो वर्ल्ड को क्या छोड़ दिया था, अव्यवस्थित सिचुएशन, मतलब कि अव्यवस्थित हालत में छोड़ दिया था, सब तहस नहस हो गया था। देयर इज रेस्टलेसनेस, तब क्या था, किसी तरीके का आराम नहीं था, होपलेसनेस मतलब कि ना उम्मीद हो गई थी, एंड एनार्की, और चारों तरफ क्या हो गया था वहाँ पर, मतलब कि किसी तरह का आराम नहीं था, चारों तरफ ना उम्मीद थी, और चारों तरफ क्या था, एनार्की, मतलब कि अराजकता थी। पीपल हैव लॉस्ट फेथ, लोगों ने क्या है अपना विश्वास ही खो दिया था, मतलब उनको विश्वास ही खत्म हो गया था कि दोबारे से उनकी जो जीवन है दोबारे से अच्छे से स्टार्ट हो पाएगा। एंड सीन्स ऑफ वॉयलेंट ब्लड शेड, और जो खून के जो सीन्स थे, वॉयलेंट मतलब
कि हिंसा वाले जो खून खराबे के जो सीन्स थे है बिकम द हैलमार्क ऑफ द डे, मतलब कि उनको क्या दिन में भी वो क्या दिखने लग गए थे, जो वॉयलेंट ब्रश है उन्होंने देखा था, जो कूना कूनी जो मारा दाड़ी उन्होंने देखी थी वो क्या बन गए थे, उनके दिन दिलों में बैठ गए थे और उनको दिन में भी वही दिखाई देते थे। द लाइन, अब जो लाइन है थिंग्स फॉल अपार्ट, मतलब कि जो चीजें हैं वो क्या है अलग होकर गिर गई, द सेंटर कैन नॉट फॉल, और जो सेंटर है वो होल्ड नहीं कर पा रहा है, मतलब क्या है जो चीजें हैं जो जो सिचुएशन है वो क्या है अब आपे से बाहर हो चुकी है, मतलब उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं रहा है। पोर्ट्रेट्स द एनार्की, अब वो क्या बताती है ये जो लाइन है थिंग्स अपार्ट, मतलब कि चीजें कब होल्ड, मतलब कि कब वो कंट्रोल नहीं हो पाएंगी, जब एनार्की अराजकता होगी तब भी वो कंट्रोल नहीं हो पाएंगी। ये फील दैट ये सब फील्स करते हैं, क्या फील करते हैं, द लॉन्ग इरा, जो लंबा टाइम था डोमिनेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी, जो ईसाइयों का जो लंबा टाइम था ईसाईपन का, वो क्या है खत्म होने की कगार पर है, इज ऑन द वर्ज ऑफ डिक्लाइन, अब वो खत्म होने की कगार पर है। तो अब वो क्या कहते हैं, जो भगवान है जो जीसस क्राइस्ट है वो क्या लेंगे, वो सेकंड कमिंग करेंगे, मतलब उनका अब दोबारा से जन्म होगा और वो दुनिया को क्या करेंगे, दुनिया का बेड़ा पार करेंगे, मतलब वो दुनिया को क्या करेंगे अब वापस से स्टार्ट करेंगे, एक रीन्यू, मतलब कि रीन्यू लिविंग होगी, दोबारा से जन्म पूर्ण जन्म होंगे, चारों तरफ शांति रहेगी, वो तभी संभव होगा जब जो जीसस क्राइस्ट है दोबारा जन्म लेंगे। तो आज हमने क्या रीड किया, हमने रीड किया अबाउट द पोइट, हमने पोइट की जान, पोइट के बारे में, पोइट के जीवन के बारे में, उसके इंटरेस्ट के बारे में रीड किया, और वो कहाँ से बिलोंग करते थे, उनका बर्थ, उनकी डेथ, और सेकंड नंबर पे हमने पोएम के बारे में समझी देखी, अपने पोएम के बारे में इंट्रो देखा कि पोएम में जो पोइट है, जो पोएम थी वो कब राइट की गई और किस सिचुएशन के लिए राइट की गई थी, और उसमें जो पोइट है वो क्या बताना चाहता है, और नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी हम उसमें इस पोइट के जो पोएम का आपके जो टेक्स्ट है उसको मतलब एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।